हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन गुरु। तो दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो पबजी लवर के लिए होने वाली है, क्योंकि मैं आज पबजी से रिलेटेड आपके मोबाइल में कुछ ऐसी आपको सेटिंग बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपका जो गेम है वो काफ़ी स्मूथ, और आपके मोबाइल में अगर आपके गेम खेलते समय जो है पिंग हाई रहती है तो वो भी काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी। तो आज मैं जो सेटिंग आपको बताने वाला हूँ उसकी मदद, उसको अप्लाई करने के बाद आपका जो गेम है वो 50-60% तक ज़रूर स्मूथ हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी पबजी लवर हैं तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो सेटिंग बताने वाला हूँ उसे आप अपने मोबाइल में अप्लाई ज़रूर करके देखना। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ आपको कौन कौन सी सेटिंग जो है उनको ओपन करना है। तो इसके लिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में जो डेवलपर ऑप्शन होता है उसको ओपन कर लेना है। ओपन कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ, शायद कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा। इसके लिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, आपको अपने मोबाइल का जो अबाउट फोन का जो ऑप्शन होता है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर आप ऑप्शन देखे होंगे वर्जन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर आप ऑप्शन देख रहे होंगे बिल्ड नंबर, इस पर आपको 7 बार क्लिक करना है। 7 बार क्लिक करने के बाद जो है आपका डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। मेरा पहले से ओपन है, मैंने क्लिक किया हुआ है। तो डेवलपर ऑप्शन जो है कुछ लोगों का सेटिंग के जस्ट नीचे ही मिल जाता है, मेरा जो है एडिशनल सेटिंग के अंदर है। ये देखिए, एसेसिबिलिटी के जो नीचे है मेरा ऑप्शन जो है यहाँ पर आ चुका है डेवलपर ऑप्शन। अब आपको जितनी भी सेटिंग है सारी सेटिंग आपको यहीं पर करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या सेटिंग जो है ओपन करनी है इसमें। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो सबसे पहले सेटिंग करनी है वो ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट, ये आपके मोबाइल में ओपन होगा, इसको आपको बंद कर देना है। बंद करने से क्या होगा दोस्तों, आपके मोबाइल में जितने भी जो ऐप्स हैं वो जो ऑटोमेटिक अपडेट होती है वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होंगी। उसके बाद दोस्तों, स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों, आप देख रहे होंगे गेम ड्राइवर प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितनी भी ऐप्स होंगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो सिंपली आपको अपने मोबाइल की जो ऐप है पबजी मोबाइल उस पर चले जाना है। तो ये रहा मेरा पबजी मोबाइल, तो ये आपका जो है डिफ़ॉल्ट पे सेट होगा। तो इसको आपको क्या है गेम ड्राइवर पर सेलेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल का जो गेम ड्राइवर है वो आपके जो पबजी मोबाइल है उसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करेगा। तो आपको ये जो है गेम ड्राइवर पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप जो है 3 सेटिंग देख रहे होंगे, विंडो, ट्रांजिशन और एनिमेटर। ये जो 3 सेटिंग आप देख रहे होंगे जो 0.5x पे है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये आपका जो है 1.5 पे होगा। तो आपको आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं एनिमेशन को, और 0.5 पे भी कर सकते हैं। इससे दोस्तों क्या होता है कि जब आप कोई ऐप ओपन करते हैं तो उसका जो एनिमेशन होता है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपका मोबाइल काफ़ी फास्ट हो जाएगा। आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं या 0.5 पे भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो ये जो 3 सेटिंग है आपको, आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं और 0.5 पे भी कर सकते हैं। तो ये जो 3 सेटिंग है इन्हें करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आप देख रहे होंगे Force 4X MSAA, ये जो आप सेटिंग देख रहे होंगे ये आपके मोबाइल में ऑफ होगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। इस सेटिंग का काम दोस्तों ये रहता है कि जो आपके मोबाइल में जो ग्राफिक ड्राइवर है वो जो है आपके जब आप गेम खेलते हैं तो उसके जो ग्राफिक होते हैं उसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है। तो इससे आपके मोबाइल का जो पबजी मोबाइल के जो ग्राफिक है वो काफ़ी अच्छे आपको दिखेंगे और आपका गेम भी जो है काफ़ी स्मूथ चलेगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसको आपको ओपन करके जो है आपका स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट होगा। इसको आपको एक एटमोस्ट 1 पे कर देना है या एटमोस्ट 2 पे कर देना है, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ये बैकग्राउंड प्रोसेस दोस्तों ये होता है कि जब आप कोई भी जैसे गेम खेल रहा है तो आपके बैकग्राउंड में जितनी भी ऐप्स ओपन रहती है तो आपका जो डेटा होता है वो कहीं ना कहीं उसमें भी रिड्यूस होता है जो आपकी बैकग्राउंड में ऐप होती है। तो इससे क्या होता है, जब आप गेम खेलते हैं तो आपकी जो पिंग है वो काफ़ी हाई रहती होगी या कभी कभी सही भी चलता होगा, ऊपर नीचे अप डाउन होती रहती होगी। तो इससे क्या होगा कि आपका गेम जो है काफ़ी अच्छा चलेगा अगर आप जितनी भी बैकग्राउंड में जो है ऐप को जो है बंद करके रखेंगे या कम करके रखेंगे। बंद तो मत रखिएगा,
आप एटमोस्ट इसे 1 पे रखिएगा या 2 पे रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आ गया या मैसेंजर पे किसी का मैसेज आ गया तो हमें झट से रिप्लाई करना होता है। तो जब आप अगर इसे आप बंद कर देंगे और आप दूसरा कोई भी जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके जो बैकग्राउंड में यानी कि पबजी होगा तो पबजी आपका हो जाएगा बंद, तो आप दोगे फिर मुझे गालियाँ। तो इसलिए आप इसे जो है एटमोस्ट 1 पे करना या 2 पे कर लेना, वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपली ये सेटिंग करने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप ये देख रहे होंगे फोर्स अलाउ ऐप्स ऑन एक्सटर्नल, इसको आपको ओपन कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी ऐप्स हैं उनका जो डाटा होता है ना वो क्या होता है हमारे मोबाइल में स्टोर होता रहता है, मतलब जो फ़ोन की स्टोरेज है उसमें स्टोर होता रहता है। इससे क्या होगा, जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो आपका स्टोरेज जो है खाली हो जाएगा और जो आपके एक्सटर्नल स्टोरेज है मतलब जो भी आपका मेमोरी कार्ड होगा तो सारा स्टोरेज जो है उसमें जाने लग जाएगा। तो इसको आपको ओपन कर लेना है, इससे क्या होगा आपका जो मोबाइल है वो भी काफ़ी स्मूथ चलेगा। तो दोस्तों ये थी आपके मोबाइल में कुछ सेटिंग पबजी मोबाइल की, इन्हें आप ओपन करके गेम ज़रूर खेलिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका गेम कैसा चल रहा है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।